Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Hello guys, assalamu alaikum. Walaikum salam. कैसी है मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली? छोटी सी है पर बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है. तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए. आई प्रे ऑलवेज़ फॉर यू. तो गाइज, बड़ा टाइम हो गया व्लॉग नहीं किया मैंने. मोटो व्लॉग किया था एक बार, लेकिन इतना कुछ खास नहीं था वो. और उसका कारण है मैं क्यों नहीं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ. पहले तो मुझे मकान का काम था, उस कारण नहीं कर रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था. और अब जो प्रॉब्लम हुई है, अब थोड़ी प्रॉब्लम बड़ी है. और वो प्रॉब्लम क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को. मुझसे तो ठीक से फ़िलहाल अभी चला भी नहीं जा रहा है. ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये मुझे बेल्ट लगी हुई है बैक पेन. तो डिस्क प्रॉब्लम, सो काजी उसका डिस्क प्रॉब्लम का ये है कि मैंने ट्रैक्टर था, हैंड ट्रैक्टर होता है जो खेतों में लगाते हैं, वो लगा रहा था. तो ऊपर चढ़ा रहा था उसको चढ़ाई की तरफ, तो वहाँ पे बीच में फंस गया वो. ऊपर ना ऊपर जा रहा था तो नीचे छोड़ता तो वो गिर जा रहा था. तो वहाँ पे मुझे उसे पकड़ के उठा के ऊपर करना पड़ा. वो 350 के जी का होता है, बहुत ज़्यादा वेट था उसका. उठा तो मैंने दिया लेकिन मेरा काम हो गया. तो उसी कारण ये प्रॉब्लम होगी मुझे, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी. अभी मुझे जो है बिल्कुल स्ट्रेट बैठना पड़ता है. तो फ़िलहाल अभी मोटो व्लॉग मेरा इसलिए बंद है, तो यही कारण है मेरा मोटो व्लॉग बंद करने का. अभी फ़िलहाल 1-1.5 महीना मुझे कंप्लीट रेस्ट करना है, बेड रेस्ट. तो डॉक्टर ने एडवाइस किया है रेस्ट के लिए, तो यही कारण है मेरा. तो बाकी आप लोगों को क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आते रहती हैं लाइफ में, अप डाउन आते रहते हैं, इनको फेस करना पड़ता है. प्रॉब्लम्स हर किसी में आती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं. कुछ लोग रोते हैं, भाई हमें प्रॉब्लम हो गई, मुझे ही क्यों हो गया ये. ये हर किसी को होता है, ये प्रॉब्लम हर किसी में आती है, इसलिए ऐसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए. तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे. इसमें डिस्क होती है एक, हमारे अंदर डिस्कें होती हैं, बोन्स होती हैं. तो L5-L4 के बीच में एक डिस्क होती है. हर किसी में डिस्क होती है, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो मैं कह रहा हूँ, L5-L4 के बीच एक डिस्क है, वो बल्ज हुई है. बल्ज मीन्स थोड़ा सा बाहर आई है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है डिस्क के अंदर, पानी टाइप में समझो आप. और बाहर से उसकी लेयरें होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं वो. तो वो लेयर जब कुछ ज़्यादा वज़न पड़ता है, वेट पड़ता है, वो लेयर जो है अंदर से टियर हो जाती है, फट जाती है, थोड़ा सा बाहर आ जाती है. तो बाहर वाली लेयर होती है थोड़ी हार्ड होती है, वो फटती नहीं है बल्कि बाहर आती है. कभी कभार बहुत ज़्यादा वेट उठाने से वो बाहर वाली लेयर टियर हो जाती है. उसके बाद फिर जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है और उसमें सर्जरी होती है. तो बाकी आप लोगों को इतनी डिटेल में क्या ही बताऊँ मैं, वो क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता है. मैं ये सब इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल में हूँ, इसलिए ये सब चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, ताकि आप भी वेट ज़्यादा ना उठाया करें, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है. डिस्क ऑलमोस्ट 95% को होती है. ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मुझे ये कमर में पेन है तो मुझे डिस्क ही होगा, ऐसे डिस्क नहीं होती है. तो डिस्क 95% को होती है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन किसी में क्या होता है कि किसी में नर्विंग होती है, कैनाल बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, उस कारण भी प्रॉब्लम होती है. बाकी किसी में 10 mm का होता है, 12 mm का होता है, 15 mm का होता है. कोई जब MRI रिपोर्ट देखता है तो उसमें 10 mm का दिखाया होता है, ओहो मेरा 10 mm है. इसमें किसी का ये बॉडी के हिसाब से ही होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए. तो बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आज छोटा सा घर पे ही बैठा हूँ मैं, तो ये चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. इस तरफ में देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो भाई मेरे घर के साथ में ये बाड़ियाँ हैं, देखो नीचे मंकी. ये बाड़ियों में इन्होंने तो हालत ख़राब कर रखी है. देखो आगे भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, केले के पेड़ के आगे सामने कितने सारे मंकी हैं. ओए भागो इधर से, बहुत सारे मंकी हैं. चिल्लाया मैं ज़ोर से, मुझे पैन हो रही है, तो इतनी ज़्यादा पैन होती है. तो इस तरफ में ये ज़मीन है हमारी, पीछे ये इस तरफ में कंगा एरिया आ गया, और उस तरफ में सार सामने पार जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये आ गया हमारा सुंबड़. सामने देख पा रहे हो आप लोग, ये आ गया सुंबड़, सुंबड़ एरिया उस. तो इस तरफ में हल्की सी बर्फ़ भी दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, और ये आ गया हमारे यहाँ सामने दिखा रहे ये कंगा बजोरी. और ये मेरे घर के सामने पार 4-way जो अभी इनकम्प्लीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है,
तो इस तरफ में ये पहला टनल जो है रामबन का, ये वाला टनल है, यहीं से निकलता है सामने। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड टनल है T2, वो यहाँ से निकल के वो वहाँ पे निकलता है दूसरी जगह में। उसके बाद हमारा वहाँ से निकलेगा तो वहाँ से आगे T3 इसी में है, मतलब ये दो चार टनल जो है इसी के बीच में है। और इस तरफ में ये हमारे घर के सामने छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ अदा करते हैं हम लोग शाम सुबह, जब भी तभी टाइम लगता है तो हम यहाँ पे नमाज़ अदा भी करते हैं और मैं पढ़ाता भी हूँ यहाँ। तो बाकी सामने देख पा रहे हो आप लोग, ये एरिया जो है सामने शेरी का एरिया है। तो शेरी में जहाँ पेट्रोल पम्प हुआ करता था सामने, आज वहाँ पर नहीं है वो, अब वहाँ से शिफ्ट होके रामबन शान पैलेस के पास खुला हुआ है। तो नीचे शेरी में देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो बाग है थोड़ा, ये पता नहीं किस चीज़ का है, तो लेकिन जगह काफ़ी अच्छी है सर्दियों के लिए, धूप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, शाम को काफ़ी देर तक वहाँ धूप रहती है। गर्मियों के लिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नीचे दरिया भी है, दरिया की हवा भी चलती है, लेकिन फिर भी कहाँ कितनी चलेगी, ठंड गर्मी तो गर्मी होती है भैया, उसका तो इलाज एसी है, वो भी अंदर बैठना पड़ता है तब जाके, उसमें भी फिर प्रॉब्लम ही होती है। बाकी सामने देख पा रहे हो आप लोग ऊपर बागना, उस साइड में उधर से आगे आ गया अपना देवता गली, वहाँ पे देवता होता था, उसका नाम ही पड़ गया देवत गली। उसके आगे आ गया पल्ली, शल्दन, कंठी, फिर पीछे राजगढ़, आगे चंद्रकोट वगैरह वो चीज़ें आ गई इतने। तो इस साइड में गांव बोलते हैं, सामने पार एक घर दिखाई दे रहा है, ये बहुत पुराने इतने ही घर हैं और इसी डिज़ाइन में है। जब मैं पैदा होने के बाद मैंने ये ऐसे ही देखे, और नीचे थोड़ा सा जंगल भी है छोटा सा, और ये बाकी ये रोड जो है काफ़ी अच्छा है। फोरवे जब बनेगा, यहाँ से आधे घंटे का सफ़र है बनिहाल तक। अभी मुझे ज़्यादा खड़ा नहीं होने आ रहा, पैन हो रही है, अब मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। तो ये इनकम्प्लीट है, ये ट्रिपल स्टोरी है, यहाँ पर इनकम्प्लीट है, डबल स्टोरी नीचे है ये। तो ये देखो केले का पेड़ कैसा, ये बहुत छोटा सा लगाया था हमने, लेकिन अब इसमें केले जो है सामने कच्चे दिखाई दे रहे होंगे आपको, नीचे सामने दिखाई दे रहे, और ये देख पा रहे हो नीचे मंकी। ये यहाँ से इन्होंने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है, हमने यहाँ पे बीजा था कुछ कनक वगैरह यहाँ पे लगाई थी, और वो ट्रैक्टर इधर ही पीछे है कहीं पड़ा हुआ अभी बाड़ियों में ही, नहीं लाया है आज आगे भैया ने लाया होगा। तो बाकी इस तरफ में ये हमारी ज़मीन है, यहाँ से ऊपर जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक हमारा ही है समझ लो। तो ये हमारे नीचे चौधरी मल्ला है, उनके मकान है यहाँ पे, यहाँ से नीचे ऑलमोस्ट सारा ही चौधरी मल्ला है नीचे। तो उसके नीचे आ गया हमारा फिर कौआ, और काफ़ी सारी जगहें हैं यहाँ से आगे, तो वो यहाँ से आप देख नहीं पाओगे, ना ही मैं दिखा पाऊँगा। तो ठीक है गाइज, मेरे कहने का ये मतलब था कि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, तो यही कारण था मेरा व्लॉग नहीं कर पाने का। तो ऐसा है कि प्रॉब्लम्स आते रहती हैं, इनको फेस करना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, दिल रखना चाहिए हर कोई। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, यार मुझे डिस्क हो गई, अब क्या बनेगा, मुझे प्रॉब्लम हो गई, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ये है। इसमें आपने कंटिन्यूसली प्रिकॉशन करने हैं, प्रिकॉशन क्या क्या होते हैं इसमें वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। ये देख पा रहे हो, ये है मेरा छोटा फाइटर, मुझे खीरा दिया खाने के लिए। प्रिकॉशंस आपने बहुत ज़्यादा करने हैं, हमें बेड रेस्ट लेना है, मेडिसिन लेनी है, अपने न्यूरोसर्जन को दिखाना है, आपके नज़दीकी जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंफर्म करना है, उनसे सलाह मशवरा करना है आपको क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ सब है। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह यू विल बी रिकवर सून। तो और मेरे लिए भी प्रे करना कि मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँ और आपके लिए अच्छा सा मोटो व्लॉग लेके आ जाऊँगा। तो बाकी मैं दिखाता हूँ आपको अपनी बेटी का स्ट्रेचिंग करती है, थोड़ी सी छोटी मोटी फाइट करती है। आ जाओ इधर, आगे आ जाओ, करो स्ट्रेचिंग करो, वेरी गुड। और नीचे पूरा ले, पूरा बैठो। तो ये देख पा रहे हो कि पूरा नीचे बैठ जाती है, पूरी स्ट्रेच करती है। इसको मैंने थोड़ा बहुत सिखाया है, अभी फाइटिंग किकिंग वगैरह कुछ करती है, स्टंट भी कर लेती है थोड़ा बहुत, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको क्या स्टंट करती है। तो एक मिनट, चलो नीचे। तो ये अभी स्टंट करती है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड है तो इसलिए नहीं कर पा रही है, ऐसे ये खुद ही कर लेती है। अपनी तरह ही बनाना है, अपनी तरह ही नहीं बल्कि अपने से बेटर बनाना है। तो Thank you.
दिखाएंगे, हाइट दिखाएंगे, स्टंट दिखाएंगे, सब कुछ थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, फिर आपको अपना कैरियर दिखाऊंगी। बाय। बेटी या छोटी? तो बाय, थैंक यू किया। तो ये बाकी देख पा रहे हो आप, नीचे चिनाब वगैरह ये सामने पार दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये छोटे मोटे ऐसे गांव हैं सामने पार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं पहले। सामने सामने मेरे, मैं मतलब ऐसे देखते रहता था तो पार से गाड़ी गिर जाती थी। काफ़ी गाड़ियाँ देखी है जो मैंने मेरे लाइव में गई हैं यहाँ से नीचे, और बहुत मतलब 99% ही होते हैं यहाँ पे बचने के, बाकी तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, गाड़ी का तो कुछ भी नहीं रहता है। तो बाकी आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं, थोड़ा खुद का भी केयर करो और मेरे लिए भी प्रे करो। तो गाइज़ इसी तरह खाते पीते मज़े में रहो, खुश, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसने नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक करो, और थैंक यू गाइज़, लव यू ऑल।